वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है नाइट राइडिंग प्रोसेस। नाइट राइडिंग प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी रॉय स्टील के सरफेस को हार्ड करते हैं। ठीक है, डिफिनेशन पर आते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड सरफेस लेयर और एलॉय स्टील, तो सिर्फ एलॉय स्टील के नाइट राइडिंग प्रोसेस करेंगे। ये बात हो सकता है मॉलिब्डेनम, हो सकता है क्रोमियम, पैलियम, तो ये वाला जो होगा एलॉय, उस एलॉय स्टील में हम नाइट राइडिंग प्रोसेस करेंगे, जिसमें कि कार्बन की कंटेंट मार्कर्स होगी 0.2% से 0.5% कार्बन होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम करते क्या है, स्टील को अमोनिया एटमॉस्फेयर, अमोनिया एटमॉस्फेयर में स्टील को हम हीट करते हैं, टेम्परेचर करेंगे 480 डिग्री टू 540 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे हो ये जो टेम्परेचर है ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से भी हो, क्योंकि जब आपने पढ़ा था स्टील ट्रांसफॉर्मेशन आयरन डायग्राम, जिसमें कि आपने इसमें देखा था, उसमें आपने टेम्परेचर देखा था कितना था 793 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे बिलो है तो ये हमारा क्या होगा, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे। ठीक है, अमोनिया एटमॉस्फेयर, अमोनिया क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन स्टील की सरफेस पे डिपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स डिफ्यूजन हो जाएगा, और इस स्टील की सरफेस को, ये जो आप देख रहे हैं स्टील की सरफेस पे ये डिपोजिट हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजन, और ये एलॉय नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एलॉय नाइट्राइड जो होगा आपके स्टील की सरफेस का वो क्या कर देगा, वो हार्ड हो चुका रहेगा, यानी क्या ये जो एलॉय नाइट्राइड है इसमें सरफेस का हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो चुका रहता है। देखते हम इसके प्रोसेस में आ करते हैं कैसे इसको हम ऑपरेट करते हैं एलॉय नाइट्राइड। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर एक आपको फर्निश लेना है, तो ये जो क्लोज कंटेनमेंट है ये बिहेव करता है आपका मफल फर्निश की तरह। ठीक है, तो इस मफल फर्निश में हम क्या करेंगे, जिस भी एलॉय स्टील को हमें हार्ड करना है उस एलॉय स्टील को सबसे पहले हम इसमें रखेंगे, यानी पुट द एलॉय स्टील इन द क्लोज कंटेनर। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, सेकेंड स्टेप पे जाएंगे हम, सेकेंड स्टेप हमारा ये प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पहुँचते हैं। सेकेंड प्रोसेस में आप करेंगे, जब इस मफल फर्नेस में मैंने स्टील हम रख चुके हैं तो फिर इसमें अमोनिया को भी पास कराना है। ठीक है, यानी आप अमोनिया गैस को आप पास करा रहे हो, इस पे कांस्टेंट प्रेशर पर आप अमोनिया गैस को पास कराते हो फर्नेस में, यहाँ अमोनिया गैस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं कितना कर रहे हैं, वहाँ देखिए आप 480 डिग्री टू 540 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे हम इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये जो अमोनिया है ये अमोनिया आपके क्लोज कंटेनर में ब्रेक करेगा, यानी ये अमोनिया जो है वो हमारा ब्रेक करेगा N2+H2। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे 3 लगने चाहिए, तो यहाँ पर 2N2+3H2। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ अमोनिया के N2H2 में, यानी ये जो हमारा ऊपर एनहाइड्रस अमोनिया ब्रेक इनटू नेसेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये ध्यान दीजिएगा एनहाइड्रस अमोनिया और ये नेसेंट नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है हमारा ये
यानी N2 plus H2 ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन आकर के हमारा क्या होगा यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो आप लेयर देख रहे हैं नाइट्राइड का यानी नाइट्रोजन का, ये कंबाइन होगा एलॉय स्टील से और फॉर्म करेगा एलॉय नाइट्राइड स्टील। और एलॉय नाइट्राइड स्टील जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस हार्ड हो चुका रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसे एलॉय स्टील को इसी टेम्परेचर पे, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे इसे हम फर्नेस में ही फिर कूल करेंगे। यानी ये जो है हमारा इस एलॉय स्टील को, अब इसे एलॉय स्टील करने से बेहतर है इसे हम नाइट्राइड एलॉय स्टील बोलेंगे। अब नाइट्राइड एलॉय स्टील जो है ये कूल होगा इसी फर्नेस में, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, साथ में हमने देखा था कार्बोराइजिंग में कार्बन ऐड हो रहा था सरफेस पे, स्टील के सरफेस पे, जबकि नाइट्राइड में नाइट्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को जब आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या होता है कि कार्बोराइजिंग में हार्डनेस है उसका कंपेरिजन में नाइट्राइड का प्रोसेस से जो हमारा हार्डनेस ऑप्टेन होता है एलॉय स्टील का वो ज़्यादा होता है। सेकेंड केस, जो टाइम लगता है वो कार्बोराइजिंग के कंपेरिजन में नाइट्राइड में ज़्यादा लगता है। और इसका एप्लीकेशन होगा ये ऑटोमोबाइल कैन, ये सब में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो की पॉइंट जो हमारा एक जी आप कौन याद रखा जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला है, ये सिर्फ याद रखने के लिए आपको हो सकता है एकदम से एग्जाम में आपको पूछ गए कि टाइम जो है, ठीक है, ये टाइम वो कार्बोराइजिंग याद रखिएगा, मैं सिर्फ CARB कार्बोराइजिंग शॉर्टकट के लिए यूज कर रही हूँ और ये रहा मेरा हार्डनेस कार्बोराइजिंग का। इस दोनों में बस एक चीज हमें देखना है, दोनों को कंपेयर करके कि क्यों नाइट्राइड, तो टाइम जो है कार्बोराइजिंग में क्या लगेगा लेस स्पीड होगा इसके कंपेरिजन में नाइट्राइड के कंपेरिजन में, यानी ये नाइट्राइड। साथ में हार्डनेस जो होगा वो भी किसका कार्बोराइजिंग के हार्डनेस से ग्रेटर गेन होगा किसका नाइट्राइड का। ये चीज आपको की पॉइंट है आपका जो एग्जाम में मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन याद रखना है, टेम्परेचर भी याद रखना है कि हमेशा क्रिटिकल पॉइंट से नीचे रहता है।